हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप ये हम आज हम बना रहे हैं चिकन आलू, 1 kg चिकन और आलू, 3 से 4 अदर टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखे धनिया और ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा मिक्स किया हुआ इसमें, और ये साबुत मसाला और इसमें हम शामिल कर रहे हैं अचार गोश्त, और आज हम कर रहे हैं ये प्याज। आवाज़ तो बंद कर ली। अब हमारे अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली, 1 चम्मच रेड चिली, और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जले ना। और इसके बाद हम डालेंगे चिकन। ये आज हम कुछ अलग तरीके से हम बना रहे हैं, सिंधी कढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ऐड करेंगे नमक। अब हमने इसमें डाले हैं रेड चिली, प्याज भुना, उसके बाद हमने रेड चिली डाली, और उसके बाद 1 आध चम्मच नमक डाला, अदरक हम इसको भुनेंगे ताकि इसमें नमक और मिर्चें ऐड हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं आलू। अब डालेंगे साबुत मसाला। अब हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसको हिला के इसको मिक्स करेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मिक्स हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अब हम डालेंगे जीरा और सूखे धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया। देखिए कलर कितना प्यारा आया हुआ है। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, और उसके बाद 1 चम्मच कुटी हुई साबुत मिर्च, लाल मिर्च, और ये सूखे पीसे हुए धनिया।
अब हम मिक्स करेंगे ताकि जले ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं। आलू भी पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अचार पाउडर का 1 चम्मच। अब हम मिक्स करेंगे ताकि मिक्स हो जाए साइड से अच्छी तरह से। अब इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि नीचे से जले ना। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको हम ढक्कन दे देंगे। देखें अब कितना प्यारा कलर आया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। माशाल्लाह सब तैयार हो गई है हमारी रेसिपी। इंशाल्लाह अगले टाइम भी अच्छी सी करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं अब हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, ये आपके सामने है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा।